नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो समय है ये कटिंग लगाने के लिए एयर लेयरिंग के लिए बेस्ट है। एयर लेयरिंग के ऊपर मैं पहले ही लास्ट वीडियो बना चुका हूं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे प्लांट्स की कटिंग बताएंगे जो कि आप लगा सकते हो इस सीजन में, और इस मंथ का जो गिव अवे है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस बार गिव अवे में आपको क्या प्राइज मिलेगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्लीज़ वो रीड कर लीजिए। कुछ समझना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, पिलखन। पिलखन को ग्रो करना बहुत ही ईजी है। इस सीजन में जो पिलखन है बहुत ही ईजिली ग्रो करती है। इसकी आप पेंसिल जितनी मोटाई की जो कटिंग है वो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो कटिंग है इसकी, ये आप लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो करती है। पिलखन एक्चुअली में क्या है, पानी जो तालाब होते हैं उसके साथ में लगाए जाते हैं। छाया के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आजकल बोनसाई बनाने में किया जाता है, तो बोनसाई के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। इस टाइम पे कटिंग लगाते समय अगर आप थोड़ा रूटिंग हार्मोन यूज़ करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। वैसे बिना रूटिंग हार्मोन के भी ग्रो कर जाती है। दोस्तों, अगला हमारा प्लांट है प्रेमनागा। प्रेमना भी एक बोनसाई लवर के लिए बहुत बेस्ट प्लांट है। प्रेमना के अंदर क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये इजी टू ग्रो है, इसकी आप कटिंग जो है बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग, यानी कि आप इसकी सॉफ्ट कटिंग या हार्ड कटिंग कैसी भी लगाइए, सब लग जाती है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी पत्ती जो है, जैसे कि ये पत्ती इसकी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जैसे इसकी पुनिंग करेंगे इसकी पत्ती का साइज़ जो है आप यकीन नहीं करेंगे, इतना छोटा हो जाएगा जितना ये है। तो ये जितनी इसकी प्रूनिंग कर जाएंगे अपने पत्तियों का साइज जो है रिड्यूस कर देती है, इसलिए इसको बोनसाई में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो ये आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से इस सीज़न में। अगला हमारा प्लांट है बोगनविला। बोगनविला को मैंने बताया था एयर लेयरिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, तो रेनी सीजन में इसको एयर लेयरिंग से ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कटिंग से ये फरवरी में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसकी जो सॉफ्ट कटिंग है इसको अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। रूटिंग पाउडर लगा कर इसको ट्राई कीजिएगा, और रेनी सीजन अगर स्टार्ट हो चुका हो तो लगाइएगा। सोइल इसके लिए आप वेल ड्रेन यूज़ कीजिएगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगला हमारा प्लांट है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक को जो है आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर इसके बीज भी मिल जाएंगे अगर आप बीज से ग्रो करना चाहें तो, और इसको बीज से कैसे ग्रो कर सकते हैं उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। कटिंग से ग्रो करना चाहें तो रेनी सीजन में इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। मोरिंगा जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये एक प्लांट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसकी पत्तियाँ, फल, फूल सब कुछ जो है काम में आता है, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो मोरिंगा आप लगा सकते हैं। अगला हमारा प्लांट है चाइनीज एल्म। चाइनीज एल्म जो है आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एक्चुअली में क्या, ये भी हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है, बाहर का प्लांट है, और ये बोनसाई में यूज़ किया जाता है। इसकी पत्तियाँ जो है बहुत ही छोटी होती है, और बहुत जल्दी जल्दी इसमें जो है ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो बोनसाई के लिए बहुत सूटेबल है। मोस्टली आप ऑनलाइन जो बोनसाई देखेंगे वो आपको इसी के देखेंगे, और इसको बोनसाई बनाना बहुत ईजी है क्योंकि ये बहुत जल्दी गहरा हो जाता है, और इसकी जो देखिए ब्रांच कितनी जल्दी ग्रो करती है, जैसे पुन करते हैं वैसे ग्रो करती है, तो इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पर। अगला हमारा प्लांट जो है वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस को आप जो है इस टाइम पे एयर लेयरिंग और कटिंग दोनों तरह से लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इस पे एयर लेयरिंग भी कर दी है, और मैंने इसकी जो है कुछ कटिंग भी लगाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ जो कटिंग है वो यहाँ पे हिबिस्कस की लगा दी है। ये वेरीगेटेड हिबिस्कस है, इसलिए मैंने इसकी कुछ कटिंग जो है वो यहाँ पे लगा दी है। अगला हमारा जो प्लांट है वो है ब्रेजिलियन रेन ट्री। ब्रेजिलियन रेन ट्री को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है। आपको ये जो प्लांट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस एरिया में, ये सारे मैंने कटिंग्स लगाई थी, और देखिए कटिंग से काफ़ी इजीली ग्रो करता है। ब्रेजिलियन रेन ट्री जो है वो दिखने में हमारे यहाँ पे जो विलायती किकर जो होती है वैसा लगता है, लेकिन ये अलग है। हमारे यहाँ पे जो किकर होती है उसमें क्या है, जो रूट्स होती है वो फाइबर रूट्स कम होती है, जो टैप रूट है वो होती है, लेकिन इसके अंदर जो है फाइव रूट्स भी होती है, यानी इसकी जो रूट्स है वो साइडों में चलती है, इसलिए इसे भी जो है बोनसाई के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मली नर्सरी में नहीं मिलते, आपको किसी बोनसाई नर्सरी में इसके प्लांट मिलते हैं, तो आपको कहीं से इसकी कटिंग मिल जाती है, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं इस सीज़न में। अगला हमारा प्लांट है फाइकस का। फाइकस की बहुत सी वैरायटी आती है, अलग अलग वैरायटी आती है, लेकिन सभी वैरायटी आप जो है ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास जो है कुछ वैरायटी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी, जैसे कि एक फाइकस यहाँ पे है, एक ये फाइकस है,
एक ये जो फाइकस है, मुझे इनमें से सबसे बेस्ट जो फाइकस लगता है वो ये है फाइकस टाइगर बार, क्योंकि ये बोनसाई के लिए सबसे बेस्ट है। ये प्लांट कैसे भी आप कर लीजिए ख़राब नहीं होता, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो ख़राब नहीं होता। तो ये फाइकस टाइगर बार का है। तो ये देखिए कुछ फाइकस की कटिंग जो है मैंने यहाँ पर लगा दी है, कल ही ये फाइकस की कटिंग लगाई थी मैंने। और आपको जो बार बार मेरी ये फिंगर दिख रही है, इस पर एक्चुअली मेरे कली लग गई थी जब मैं काम कर रहा था, तो कटर से हल्का सा लगा था, ज़्यादा नहीं लगा। तो कल ये सारी कटिंग्स जो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी, फाइकस की लगाई। अभी अगला हमारा प्लांट है ये फ्रांस। एक्चुअली में इसको हमारे यहाँ पे फ्रांस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ऑस्ट्रेलियन पाइन है, और एक नाम और है इसका भी मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे नेम दे दूंगा। आपके पास देसी फ्रांस है तो उसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और इस तरह का है, ये बोनसाई से रिलेटेड है, इसका बोनसाई बनता है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, ये ऑटोमेटिक जो है ऐसी शेप ले लेता है। तो कोई भी फ्रांस हो आप उसकी कटिंग ग्रो करना चाहें तो इस टाइम पे कर सकते हैं। मेरे पास देसी जो फ्रांस है वो भी है खेत में, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो खड़ा है बड़ा सा, ये देसी है। इसके जो लीव्स हैं देखिए इतने ग्रीन नहीं है, और ये काफ़ी बड़ा ट्री हो जाता है। जबकि इसके जो कलर है लीव्स के देखिए कितने ग्रीन है, और इसका जो साइज है वो सीमित रहता है, उतना ही साइज इसका रहता है। इसकी कटिंग भी अगर आप लगाना चाहें तो इस टाइम पे लगा सकते हैं। इसकी जब आप कटिंग लगाएं तो छोटी कटिंग ले, यानी कि सॉफ्ट कटिंग ले। इसकी हार्ड कटिंग मैंने देखा है नहीं लगती, लेकिन जो छोटी कटिंग होती है वो लग जाती है। चलिए आपको दिखाता हूँ, इसकी मैंने कुछ कटिंग लगाई भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग इसकी यहाँ पे लगी हुई है, एक कटिंग मैंने वहाँ भी लगाई थी जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है अभी देखिए। दोस्तों अगला हमारा जो प्लांट है वो है लेमन का। आप लेमन को भी जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और लेमन की कटिंग पर मैं पहले ही 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि इसकी कटिंग आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो बिना बीज के जो नींबू होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। और आप जो देसी है या कागजी नींबू आपके पास कोई भी है उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये हमारा जो नींबू है काफ़ी अच्छा है, इसके जो छिलके हैं बिल्कुल ही पतले हैं, यानी कागजी नींबू के भी थोड़े मोटे होते हैं, इसके बिल्कुल भी पतले हैं उससे भी। और इसमें जो फ्रूटिंग है काफ़ी अच्छी होती है। मैंने इसके अंदर जो बोन मील नीम खली और ये सारी चीज़ें डाली थी, तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। देखिए इस साइड देखिए आप नींबू कितने लगे हुए हैं यहाँ पे देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो गिव अवे है उसमें हम क्या प्राइस रखेंगे। तो जो जुलाई का जो गिव अवे है उसके प्राइस की बात करते हैं। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो जो है हमारा कटिंग से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो है गिव अवे में कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो कि विनर को काम आए। तो देखिए इस बार हमने जो एक रूटिंग हार्मोन जो है वो रखा है, दूसरा क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है तो फंगस की प्रॉब्लम बहुत आती है, ये एक फंगिसाइड जो है विनर को देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है, जो विनर होगा हमारे गिव अवे का जुलाई के गिव अवे का उसको ये मिलेगा। और गिव अवे का जो रिज़ल्ट है वो जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जुलाई का मंथ ख़त्म होगा तब मिलेगा। हमने जो है 2 गिव अवे जो है कर ली है, जो तीसरा गिव अवे ये होगा। और देखिए गिव अवे जीतने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका मैंने डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेनली मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में एक बार कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से कनेक्ट रहना चाहिए, यानी कि मैं अगर कम्युनिटी ऐप पर कोई पोस्ट डालता हूँ तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने पोस्ट डाली है, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे चैनल पे एक्टिव है। सेम ऐसे कोई वीडियो डालता हूं तो वीडियो आप पूरा देखें और उसके बीच में कुछ आपको लगे उस चीज पे आप कमेंट करें। ये नहीं कि सिर्फ आपने नाइस लिख दिया तो आपका हो गया कि आपने वीडियो देख लिया, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो वीडियो कंप्लीट देखते नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड देखते हैं, नाइस लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आप वीडियो को देखें उससे रिलेटेड कुछ कमेंट कर रहे हैं। दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे स्टोरी जो है वो चेक क्या करें, उसमें काफ़ी टिप्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। और उस पर भी आप जो कमेंट वगैरह करेंगे तो उससे जो है आपके जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। दोस्तों ये दोनों चीज़ जो है इस बार विनर को मिलेगी। दोस्तों इस बार आप कौन कौन सी कटिंग जो है लगा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।